हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बजाज फाइनेंस से आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि दिवाली ऑफर में दोस्तों एक बेस्ट ऑफर दे रहा है, जहां पे दोस्तों आप लोगों को लेटेस्ट प्रोसेस आपको अप्लाई करने के लिए बताऊंगा, जहां पे जो आपका कार्ड एक्टिवेट होगा वो भी कहीं ना कहीं 3 लाख रुपये तक होगा। इसमें दोस्तों अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, कुर्मा जैसा साइट पर इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप लोग को नो कॉस्ट ईएमआई देना पड़ेगा और दोस्तों कहीं पे भी दुकान पे भी इसे यूज कर सकते हैं, जहां पर बजाज फाइनेंस को देखने को मिल जाए। जो कि इस समय दिवाली का जो प्रोसेस है वो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में दिखाऊंगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरी डिटेल में देखिएगा, पूरी प्रोसेस के साथ बताऊँगा। जो कार्ड आप अप्लाई करेंगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप स्मार्टफोन, अमेजोन जो भी साइड है, जो शॉप एक्रॉस लीड जो साइड होती है, जिससे कि दोस्तों मैं बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उसे इसे इजी जो नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा की, रिलायंस, जो कि मेक माई ट्रिप, आईआरसीटी, होम टाउन जैसे साइडों पर दोस्तों इसे यूज कर सकते हैं। चलिए हम जानेंगे इसकी प्रोसेस क्या है, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। तो इस वीडियो को बने रहेगा, यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं करना, साइड पर आना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और सिंपल दोस्तों इसको वेरीफाई करना, और इसके बाद दोस्तों आपके सामने ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। वहाँ पर दोस्तों आपको पूछेगा कि जो आपका नाम है उसको डालना है, और दोस्तों यहाँ पर जो अब जो लिखा है ऑटो फेस डिटेल और नो फील डिटेल मैनुअली, तो दोस्तों आप लोग को लिखे यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, दो ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों आप लोग को सिलेक्ट करना है यस ऑटो पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, परमा अकाउंट नंबर जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर उस पर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है उसको यहाँ पर डाल देना है, जो जैसे कि दोस्तों जैसे पिन कोड डालेंगे सब कुछ ले लेगा। यहाँ पे जेंडर में मेल रहेगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप को हम बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर सैलरीड रहेगा दोस्तों, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट है, दोनों तीनों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और दोस्तों सैलरीड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी नेट आप सैलरी जो आप जो ऑफिशियल है इसको डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे 20,000 रुपये करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे कि आपका जो इनकम है उसके हिसाब से, जो भी आपका इनकम है उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कार्ड बनेगा। जैसे कि दोस्तों मेरा कार्ड 55,000 का बन रहा है, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेचुलेशन, यू अप्रूव इंस्टा ईएमआई कार्ड लिमिट इज, जो कि 55,000 रुपये का जो लिमिट है वहाँ पे देखने को आपको मिल जा रही है। ठीक, अब जैसे प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो गेट केवाईसी यूजिंग जो डिजी लॉकर, आपके जो डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से डिजी लॉकर से जो भी आप एक्सेप्ट करेंगे डिजी लॉकर में डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेंगे। वहाँ पर दोस्तों आपका जो भी आधार कार्ड होगा उसको डालकर नेक्स्ट करेंगे, जो भी आधार कार्ड से ओटीपी आएगा यहाँ पर डालेंगे जो कि वेरिफिकेशन के लिए, और सबमिट के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। फिलहाल दोस्तों जो भी सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर सेट करना है वो यहाँ से सिंपली सेट कर देना है, जो कि जो भी आपका सिक्योरिटी पिन जो कि 6 अंक का होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फॉरगेट माय पिन पे भी दोस्तों जाके यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालकर अगर भूल गए हैं तो डिजी लॉकर का, और सिंपल ये डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे, जो भी आपका 6 अंक का जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे पड़ेगा, और यहाँ पे डन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। जो भी आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पेन जो भी आप अपने डिजी लॉकर में रखेंगे, दो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो कि डिजी लॉकर के अंदर आप ऑलरेडी सेव करके रखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि पेन वेरिफिकेशन जो पेन कार्ड है, सब कुछ यहाँ से ले लेगा। और दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको नीचे में आना है, पर्पस जो कि पर्पस देना है, जो कि केवाईसी के बारे में हम लोग केवाईसी कर रहे हैं तो केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे, अलाउ के ऑप्शन को सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का मेंशन करने के लिए जाएगा, जिसमें सेलेक्ट करेंगे और आप जो भी आधार कार्ड में आपका जो मेंशन रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से फेच कर ले, जो केवाईसी के आधार पर ले लेगा, और सिंपल यहाँ पर आप लोग को मिला लेना है। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर जो भी अपडेटेड एड्रेस है जो सब कुछ यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर ले लेगा, एड्रेस लाइन 2 जो भी है ऑटोमेटिक भी ले सकता है, और यहाँ पे अपने जैसे मुताबिक भी डाल सकते हैं। एड्रेस लाइन 3 में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है लिखा होगा वो एड्रेस यहाँ फिल करना है, जो भी आपके एरिया का जो पिन कोड होगा यहाँ पे नीचे में डालना है। उसके बाद दोस्तों जो भी जो पिन कोड डालने के बाद जो भी आपका सिटी होगा उसको यहाँ पे फिल करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने रिलेशनशिप डिटेल, जो कि यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि जो रिलेशनशिप जो इसमें रखना चाहते हैं किसको रखेंगे, तो यहाँ पे मैं फादर का नाम लिखता हूँ, फिर सिंपल ये प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट में जो ऑप्शन देखने को मिल जा रही है, जो कि बजाज की तरफ से लिमिट भी यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि वन टाइम जो ज्वाइनिंग फीस है 599 रुपये कुछ दिखा रहा है, जो कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट है 50,000 रुपया, लगभग यहाँ पे टोटल 55,000 रुपया आपको मिलेगा और 550 रुपये तक लिमिट रहेगा, जो कि ईएमआई नेटवर्क पार्टनर यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा वन टाइम ज्वाइनिंग फीस जो भी है 599-530 रुपये प्लस ऑनलाइन कन्वेंशन फीस जो कि 69 रुपया है, जो कि यहाँ पर पेमेंट भी करना है। ठीक है, अप्लाई प्रोमो कोड अगर जानना चाहते हैं तो अप्लाई प्रोमो कोड के ऊपर क्लिक करके, और दोस्तों जो भी यहाँ पे दिया होगा इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके अप्लाई करके सिंपली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा नंबर के ऊपर मैं आया, और दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैं देखा होगा 419 रुपये पर ज्वाइनिंग फीस जो 0 है, टर्म्स एंड कंडीशन को देख सकते हैं,
और यहाँ पर अप्लाई जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रही है, और सिंपली अप्लाई वाला ऑप्शन पे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाले में जो इंस्टा समर जो भी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ से देख सकते हैं। 10 दिन के अंदर ईएमआई कार्ड विथ इन 10 दिन का जो पेमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई जैसे ही करेंगे दोस्तों तो आपका प्रोमो कोड आ जाएगा, प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे UPI पे ले जाएगा, डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है जो भी है यहाँ से उस पर उसके माध्यम से आप लोग कर दें। सिंपली यहाँ पर UPI के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं तो UPI को ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गूगल पे में अपना जो भी UPI ID वो डालेंगे, यहाँ पे सिंपली वेरीफाई और प्रोसीड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आएगा रिडायरेक्ट आपका जो भी QR कोड आएगा या जैसे कि फ़ोनपे पर रिडायरेक्ट करेगा, अगर गूगल पे चलाते तो गूगल पे जाएगा और रिडायरेक्ट करेंगे, जैसे कि रिडायरेक्ट होकर अपना गूगल पे में जाएगा और सिंपली यहाँ से प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों यह कार्ड आपका सक्सेसफुल जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और दोस्तों सिंपली आपका जो डिस्क्लेमर है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और देख सकते हैं कि आपका जो कार्ड है वो बन के रेडी हो चुका है। जो व्यू के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड डालना है, जो भी आपके मोबाइल पर OTP जाएगा OTP यहाँ पे फिल करना है, सबमिट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड का जो इशू है यहाँ पे सब कुछ दिखा देगा, जो कि कार्ड का जो नंबर डिस्क्लेमर जो भी यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से करके जो बजाज फाइनेंस की तरफ से जो कार्ड आपको दिया जाएगा वो सिंपली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यो इंस्टा EMI कार्ड हैज बीन इशूड सक्सेसफुली हो गया, EMI नेटवर्क पार्टनर आपको देखने को मिल जा रही है। और यहाँ पे दोस्तों सिंपली आप लोग कुछ भी नहीं कर नीचे में आना है, एक्टिव नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे जैसे ही आएंगे देख सकते हैं UPL नोट पी रजिस्टर योर बैंक है वो अकाउंट का ऑटो डिडक्शन कर लेगा, और दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि ऑटो डेबिटेड इंस्टॉलमेंट है वो भी क्लियर हो जाएगा, 100% सिक्योर है वो भी आपको देखने को मिल जा रही है। कुछ भी नहीं करना है, नीचे आना है, नीचे जैसे दोस्तों नो मोर पर यहाँ पे आके इसके बारे में और जान सकते हैं, जो कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट है इसके ऊपर भी जान सकते हैं, और जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जा रही है जो कि इसके बारे में समझना सबसे जरूरी है। ऑटो डेबिट इंस्टॉलमेंट आपको सभी लोगों को पता है कि ऑटो डेबिट होता है तो डर रहता है कि किसी बैंक में दूसरे बैंक में पैसा ना जाए, तो यहाँ पर सिंपली आप लोग को नीचे में जाना है और नीचे पर सिंपली क्लिक करना है। आपका जो भी बैंक का अकाउंट नंबर है, बैंक का पासबुक अकाउंट नंबर है, सिंपली जो भी सेविंग अकाउंट को यहाँ पर सिंपली सेविंग करना है, यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे गेट OTP के ऊपर क्लिक, जो भी आपके मोबाइल पर नंबर पर OTP जाएगा उसको OTP को यहाँ से फिल करना है, और यहाँ पर दोस्तों सबमिट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जो भी रिडायरेक्ट होगा आपके बैंक द्वारा ऑटो यहाँ पे ऑटो रिडायरेक्ट करेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं जो EMI कार्ड हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुल हो गया, जो भी एक्टिवेट कार्ड है आपका बैंक अकाउंट से जुड़ गया है। और सिंपली आप लोग कुछ नहीं कर मोबाइल से अपने जाना है बजाज फाइनेंस लोन्स UPI ID को यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसे करेंगे यहाँ पर MP PIN डालना है, और सिंपली जो भी है यहाँ पे खरीदना चाहते हैं परचेज करना चाहते हैं या कुछ भी खरीदना चाहिए या अपना कार्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड सिंपली देखने को आपको मिल जा रही है, और जो भी यहाँ पे व्यू जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे देखना चाहते हैं वो भी देखने को आपको मिल जाएगी। मतलब सिंपल दोस्तों बहुत सारे दो तरीका है इस तरह से दोस्तों अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं, और जो बजाज एप्लीकेशन से उसमें यूज आप आसानी से कर सकते हैं। जो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में दिखाया बजाज का जो फाइनेंस कार्ड है उसको अप्लाई कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में दिखाया, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि यूट्यूब के रिलेटेड बैंकिंग के रिलेटेड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, मिलता है अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, भारत वंदे मातरम।